गर्मियां यानी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आने के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि चेहरे को कैसे साफ करा जाए और आप धन संकट में फंस जाते हैं। चेहरा साफ करेंगे, चेहरा तो साफ होगा साबुन से या फेस वॉश से, फेस वॉश भी एक तरह का साबुन ही है, ये तो मार्केटिंग है जो उसका कुछ भी नाम दे दो। सोचने वाली बात है कि चेहरे के लिए अलग से साबुन कैसा, अरे पूरा शरीर ही हमारा स्किन से जो त्वचा ये है वही त्वचा ये है। तो फेस वॉश और उससे आप जब चेहरा धोना चाहते हैं तो आप चेहरा तो धो लेते हैं लेकिन चेहरा उसका रूखा और सूखा हो जाता है। तो आज हम आपकी दुविधा को कि आपका चेहरा भी धुल जाए और चेहरा मुलायम भी रहे, चेहरा साफ हो जाए और चेहरा मुलायम भी रहे, आपके लिए हम एक बहुत अद्भुत नुस्खा लेकर आए। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फेस क्लेंजर की। गर्मी का वक्त आ रहा है और हमारे चेहरे पे हर 15 मिनट में धूल जमा होना शुरू हो जाएगी और यह धूल आपके चेहरे को धीरे धीरे पिंपल्स आना, एक्ने आना, तमाम तरह की दिक्कतों में इन्वॉल्व हो जाएगी। और इसको दूर करने के लिए साथियों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे साबुन, चाहे वो कोई फेस वॉश हो, चाहे वो जिसी तरह के जिस नाम से भी मार्केटिंग में बिक जाए, लेकिन वो होगा साबुन ही। और जब हम साबुन लगाएंगे तो हमारा फेस ड्राई हो जाएगा, हमारी त्वचा बहुत रूखी हो जाएगी। तो हमारे पास विकल्प नहीं बचता है साथियों, या तो चेहरा हम गंदा रहने दें या हम चेहरे पे साबुन से साफ करें, उसके बाद रूखी त्वचा की परेशानी उठाएं। तो साथियों, इसी दुविधा से बचने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अद्भुत फेस क्लेंजर जो आपके चेहरे को साफ कर देगा। आप एक बार इसको रात में लगा लेंगे तो सुबह आपका चेहरा बिल्कुल खिल उठेगा। यह आपके चेहरे को मॉइस्चराइज भी करेगा, यह आपके चेहरे को साफ भी करेगा और इतना साफ करेगा कि आप पूरे दिन आपका काम चल जाएगा। और आप इसको अपने ऑफिस या अपने वहाँ पे भी एक डिबिया में रख सकते हैं कि एक बार दोपहर में भी अप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक घंटे का ब्रेक मिलता है, एक घंटे का मान लो इंटरवल होता है, उसमें दो मिनट का ये भी सही इन्वेस्टमेंट। तो आज हम साथियों आपको बताते हैं वह फेस क्लेंजर जो आपके त्वचा को रूखा करे बगैर आपकी त्वचा को बिल्कुल चेहरे को बिल्कुल साफ कर देगा, ताकि आपका चेहरा एक्ने, पिंपल्स और तमाम तकलीफों से रहित रहे। और साथियों, बहुत ही आसान नुस्खा है ये, आपको इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको साथियों ले लेना है आधा बाउल कच्चा दूध, रॉ मिल्क। आपको आधा बाउल, छोटा बाउल कच्चा दूध ले लेना है, रॉ मिल्क। उसमें आपको एक टीस्पून छोटा शहद यानी कि हनी ऐड कर देना है। आपको इसमें हनी ऐड कर देना है और आपको इसमें ऐड कर देने हैं ओट्स, एक चम्मच ओट्स आपको इसमें डाल देने हैं। और आपको डाल देना है थोड़ा सा आधा चम्मच लेमन यानी नींबू का रस, फ्रेश लेमन जूस। ये चार चीजों को आपको मिक्स कर लेना है साथियों, और इसको अपने चेहरे पे 5 मिनट लगा छोड़ देना है। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपको चेहरे पे लगा छोड़ देना है और फिर आपको चेहरा नॉर्मल वाटर से धो लेना है थोड़ा सा मसाज करने के बाद। आप देखेंगे साथियों, सारा डस्ट, सारी गंदगी चेहरे की जितनी भी रात भर आपके पोर्स दिन भर में बैठी वह खत्म हो जाएगी और आपका चेहरा मॉइस्चराइज भी हो जाएगा और चेहरा क्लीन भी हो जाएगा। बहुत अद्भुत नुस्खा है साथियों, ये बहुत अच्छा फेस क्लेंजर है जो आप घर में 5-7 रुपए की लागत से कम में बना सकते हैं साथियों। और साथियों, हम आपको ये भी बताते हैं कि ये क्यों काम करेगा। साथियों, यह नुस्खा इसलिए काम करेगा साथियों कि जो इसमें हमने लोगों ने रॉ मिल्क लिया है, मिल्क में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स AHA होते हैं,
या आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इसलिए जो रॉ मिल्क है ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, आपके मिल्क को आपके स्किन को नरिश भी करेगा। और ये भी हम सब जानते हैं मिल्क एक कंप्लीट फूड है, WHO के द्वारा क्लासिफाइड है, इसलिए रॉ मिल्क आपके चेहरे पे काम करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने इस कंपाउंड में इंक्लूड करा है वह हनी। शहद साथियों एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 181 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कि फिनॉलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, या फिनॉलिक कंपाउंड्स आपकी स्किन को अंदर से जितना मैल है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, और जो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है सेल की ROS वो कम करके आपके चेहरे को साफ करेंगे। तीसरा कंपाउंड साथियों हम लोगों ने जो ऐड कराया हुआ है ओट्स। ओट्स साथियों एक कंफर्ट फूड है, और इसमें साथियों एविनोथ्रेमाइट पाया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा कंपाउंड है चेहरे को फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए और आपके चेहरे को साफ करने के लिए। और चौथी चीज़ साथियों जो हमने इसमें इंक्लूड करी है वह है लेमन। लेमन यानी नींबू। नींबू में साथियों पाया जाता है सिट्रॉल और लाइमोनिन। यह जो है आपके चेहरे को नेचुरल, हम लोग होटल जाते हैं तो खाना खाने के बाद जो है रेस्टोरेंट में बैरा जो है वो पानी में, गुनगुने पानी में लेमन ही लेके आता है, और आप देखते हैं जितना घी तेल का नाखून होता है, हाथ होती, उंगली होती, सब साफ हो जाती हैं, तो इतना पावरफुल। लेकिन इसके कुछ जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो आपका हनी, ओट्स और मिल्क न्यूट्रलाइज कर देगा, और कुल मिला के आपके चेहरे को क्लेंस करने में बहुत लाभकारी होगा। आप गर्मी भर साथियों इसको इस्तेमाल करिएगा और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपको, अगर आपने 5 मिनट मेहनत से नुस्खा तैयार करा है तो आपकी मेहनत वसूल हुई कि नहीं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाएँ। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले नया वीडियो यो ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों फिर से हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।